हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला आई एम सोनू दोस्तों एस्पिरेंट्स का फोर्थ एपिसोड देखा मैंने अभी-अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे दोस्तों ठीक-ठाक लगा ये मतलब ठीक-ठाक लगा है खूबसूरत है थोड़ा सा सुंदर भी है थोड़ा सा बट ओवरऑल ना वो वो फैक्टर वो जो एक्स फैक्टर जो मौजूद था पहले तीन एपिसोड्स में वो मुझे मिसिंग लगा वो मुझे गायब लगा ये एपिसोड से तो वो एक्स फैक्टर ना होने की वजह से ऑनेस्ट मुझे ये एपिसोड थोड़ा ठंडा लगा आई मीन ठीक है नॉट नॉट बैड नॉट बैड एट ऑल है इस एपिसोड में जो आपको बांधे रखेगा बट दोज आर फ्यू एंड फार इन बिटवीन यू नो वो कंसिस्टेंटली मौजूद नहीं एंड प्लस दैट एक्स फैक्टर जो होता है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो सरप्राइजिंगली मिसिंग था इसमें से Uh, अब अच्छा क्या लगा डायलॉग्स थोड़े बहुत डायलॉग्स जो मैंने सुना इसमें देखा इसमें वो अच्छा लगा लाइक दिस मैं क्या दिल चाहता है का सैफ अली खान हूं जिस तरह से वो बोलता है ना यार, it's, it's nice watch, <laughs> या फिर वो टॉम एंड जेरी वाला जो एक एनेक्टॉट था जो कॉन्वर्जेशन था दैट इज ऑल्सो वेरी नाइसली रिटर्न एंड नाइसली परफॉर्म्ड प्लस पूरा एपिसोड इज अबाउट प्लान बी यूपीएससी में अगर आप पास नहीं होते हो तो आपके पास बैकअप ऑप्शन क्या होना चाहिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए प्लान बी या फिर सब कुछ यूपीएससी पे आप दाव पे लगा के यूपीएससी के लिए ही आप निकल पड़ना चाहिए विदाउट एनी प्लान बी और विदाउट अ बैकअप ऑप्शन और गर्लफ्रेंड हो तो मतलब तभी गर्लफ्रेंड प्लान बी बनती है या प्लान ए बनता है और गर्लफ्रेंड अगर पास हुआ यूपीएससी तो आपका क्या होता है या आप पास हुए तो गर्लफ्रेंड के साथ क्या होता है रिश्ता होता है कि नहीं होता है तो ये जो असमंजस होता है आपके मन में तो उसको अच्छे से दिखाया है बट देन अगेन दैट एक्स फैक्टर वॉज मिसिंग देर सो ओवरऑल ठीक ठाक लगा अच्छा लगा आई मीन ओके आई डेंट माइंड इट नॉट बैड एट ऑल बट उतना इंप्रेस्ड नहीं था मैं जितना वो पहला तीन एपिसोड देखकर मैं हुआ था सो आई एम गोइंग विथ 2.5 स्टार्स बहुत अच्छा है तो एक्टिंग में तो ऑब्वियसली एवरी वन रियली रॉक्स बट आई थॉट द राइटिंग कुड है इन एपिसोड फोर्थ दैट इज माई टेक मेरा ओपिनियन आपका क्या है ओपिनियन राय लिखकर बताइएगा जरूर मुझे चलिए फॉर द मोमेंट इट इस टाइम फॉर मी टू से गुड बाई टाइम